नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन अरोड़ा, द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलते हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के भक्तों से, जानते हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में। नमस्कार मैम, आपका नाम? अमरजीत। मैम आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? हम 32-33 साल हो गए यहाँ से जुड़े हुए। हमें यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। आप 32 सालों से डेरा सच्चा सौदा में जुड़े हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या है डेरा सच्चा सौदा? डेरा सच्चा सौदा बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थान है। यहाँ पर हर लड़की बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। मैम आपकी बेटियाँ, आपकी बहू यहाँ पे आते होंगे, कैसा माहौल मिलता है आपको यहाँ पे? मेरी बेटी यहाँ पर पढ़ी है और मुझे ऐसे लगता है कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते थे जो यहाँ पर पिताजी ने दी है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हमारे गुरु हैं, उन्होंने जो शिक्षा दी है हम उनको कभी नहीं दे सकते थे। आपने अभी बताया कि आपकी बेटी यहाँ पढ़ी है, तो हाँ। आपकी यहाँ के स्कूल संस्थानों के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो क्या वैसा कुछ है या आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सरासर गलत है, लेकिन जब हम ये सुनते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि वहाँ क्या चीज़ है और लोग ऐसे क्यों कहते हैं। मैम कितना विश्वास करते हैं आप अपने गुरुजी पर? हमें दृढ़ विश्वास है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम चीख चीख कर कहें कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, उन्हें ऐसे क्यों कहा जाता है। हमने सुना है यहाँ पे कुछ मानवता भलाई के कार्य होते हैं, वो मानवता भलाई के कार्य क्या है? हमारे यहाँ पर मानवता भलाई के 147 कार्य होते हैं, जिनमें खून दान, ब्लड डोनेशन कैंप, सब अच्छे से अच्छे कार्य होते हैं यहाँ पर। सरकार को आप क्या बेनती करना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी बाबा राम रहीम के लिए? सरकार को हम यही अपील करना चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि उनके बगैर यहाँ पर बहुत काम जो उन्होंने चला रखे थे मानवता भलाई के, वो चल तो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू मैम।